नमस्कार और आप देख रहे हैं WWE न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, द रोक की सर्वाइवर सीरीज में वापसी को लेकर अब बड़ी अपडेट आ चुकी है सामने। साथ ही ड्रू मैकइंटायर फिर से ब्रोक लेसनर के खिलाफ मुकाबले की इच्छा जता रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को लेकर बात करने वाले हैं कि रोमन रेंस और द रोक के ड्रीम मैच के लिए द रोक की वापसी को लेकर क्या अपडेट सामने आई है। साथ ही बात करेंगे ड्रू मैकइंटायर को लेकर कि वो फिर से क्यों ब्रोक लेसनर के साथ मुकाबला करना चाहते हैं। तो वीडियो होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं द रोक को लेकर। तो जैसे कि हम सभी के लिए द रोक वर्सेज रोमन रेंस का मुकाबला एक ड्रीम मैच है और पिछले कई सालों से WWE यूनिवर्स को इस मैच का बेसब्री से इंतजार है और उम्मीदें जताई जा रही हैं कि रेसलमेनिया 38 में रोमन रेंस वर्सेज द रोक के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि पिछले कुछ टाइम से रिपोर्ट आ रही है कि यह मुकाबला रेसलमेनिया 38 की जगह 39 में होगा। साथ ही अपडेट यह भी थी कि द रोक सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू में आने वाले हैं, क्योंकि इस बार का सर्वाइवर सीरीज द रोक की WWE में 25th एनिवर्सरी होने वाला है, क्योंकि द रोक ने WWE में पहली बार डेब्यू 1996 के सर्वाइवर सीरीज में किया था और अब 2021 का सर्वाइवर सीरीज द रोक की WWE में डेब्यू का 25वीं सालगिरह होने वाला है। लेकिन अब जो अपडेट सामने आई है उनके मुताबिक द रोक इस बार सर्वाइवर सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया में मौजूद होंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि द रोक इस बार सर्वाइवर सीरीज में नहीं आ पाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनको लेकर कोई भी चीज़ यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। द रोक की एक वीडियो अपीरियंस इस सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिल सकती है, जहां पर वे अपनी 25th एनिवर्सरी को लेकर बात कर सकते हैं। साथ ही वह रोमन रेंस को लेकर भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो गाइज, अब चलते हैं अगली अपडेट के पास, जो कि है ड्रू मैकइंटायर और ब्रोक लेसनर को लेकर। जैसे कि लास्ट ईयर रेसलमेनिया में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकइंटायर और ब्रोक लेसनर के बीच मुकाबला देखने को मिला था, जहां पर ड्रू मैकइंटायर ने चंद मिनटों में ही ब्रोक लेसनर को हराकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली थी। लेकिन अब ड्रू मैकइंटायर ने WWE के शो द बम्प में बातचीत करते हुए बताया कि मैं ब्रोक लेसनर के साथ दोबारा फाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि उस वक्त COVID-19 के चलते हमारा मुकाबला एक खाली एरिना में हुआ था, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा मुकाबला रेसलमेनिया 38 की फैंस से खचाखच भरी हुई एरिना में हो। तो गाइज, फिलहाल ब्रोक लेसनर और ड्रू मैकइंटायर के मैच को लेकर WWE में कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर इनके बीच रीमैच होता है तो काफ़ी ज़्यादा शानदार होगा। तो गाइज, क्या है आपके ख्याल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और शेयर। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।